सब लोड हो चुका है। ग्रेट, लेट्स गो। थोड़ी सी जगह इसके लिए भी बनाने लाऊंगी। आदित्य की अलमारी में जितनी जगह थी उन्होंने मुझे सारी दे दी। अब तुम्हें तो वहां से निकलना होगा ना, तो ये रहा तुम्हारा बचा कुचा सामान और इस सूटकेस मेरी तरफ से। कब तक तुम वो अपनी स्टूपिड पोटली लेके घूमती रहोगी? पूरे वक्त आप हमरे बारे में सोचते रहे सादिबा, आपका अपन सुहाग रात के वक्त भी हमरे बारे में ही सोचे हैं। आप हमारा सामान ले आई, नया अपन सूटकेस लेके आ गई, आपके पति बेटी आवत नहीं है आपके खातिर? सिर्फ तुम्हारा सामान नहीं इमली, मैं अपना भी कुछ तुम्हें देने आई। बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही। कहते हैं जिसे एक कलीरी का टुकड़ा मिलता है उसे लाइफ पार्टनर भी बहुत जल्द मिल जाता है। अब तुम अकेली हो तो तुम्हें तो जरूरत होगी, पहले ही कोई और मिल गया है। अगर आप खुद को सचपा हमारी बड़ी बहन मानत होते रहे ना, तो हम रात रात भर जाके आपसे बतियावत रहे कि हमका कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद। पर आप बड़ी बहन का फर्ज नहीं, दुश्मनी निभावत है। तो ये सही कलीरे का टुकड़ा अपन पास रखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें कोई बर्दाश्त कैसे कर पाता है? थैंक गॉड आज के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। अरे फिर तो आपकी हैप्पीनेस बहुत ही छूटी हुई वाली है। कहे कि आप हमको बाबू साहब से दूर कर चुकी हैं, लेकिन परिवार से नहीं कर पाई। इतना कॉन्फिडेंस भूल गई कि इन्हीं लोगों ने तुम्हें पहले रिजेक्ट किया था, नौकरानी से भी बुरी तरह से कई बार ट्रीट किया था। चाहो तो शर्त लगा लो इनकी, बहुत जल्द ये लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, शायद आप ये भूल गई हैं कि ये परिवार वाले ना हमका अपन घर की बेटी माने। आप शर्त लगाए के जाते हैं, लगी शर्त। हम भी कहते हैं हम आज भी घर का हिस्सा हैं और हमेशा रही हैं। कहे कि इमली रिश्ते जोड़त है, तोड़त नहीं है। ये रिश्ते तोड़ी की बुरी आदत ना सिर्फ आपको है मान लेते। अच्छी चाल है इमली, तो ये तुम्हारा प्लान है? मेरे और आदित्य की लाइफ में इंटरफेयर करती ही रहोगी तुम? काहे डर लागत है आपको? ये आपका गलत फहमियों का जाल इतना ज्यादा कमजोर है का? अरे अब तो भीतर चली जाइए, आपके पति देव खुद आए आपको लेवे खाते। और हाँ एक दो बात सुनती जाइए, हमका ना कोनो के हंसते खेलते रिश्ते के बीच में आए का शौक नहीं है। बुरी आदत भी आप ही को है। आप हमारे हंसते खेलते रिश्ते की जड़ में मट्ठा डाली रही ना, अब आपके रिश्ते में हंसी खुशी कुछ है कि नहीं ये तो आप ही जाने। हम इमली का दर्द तो कम नहीं कर सकते, पर इस वक्त हम उसका ख्याल जरूर रख सकते हैं। हमें इमली का ख्याल रखना चाहिए।
इमली क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पेट में दर्द है? हाँ देख, चिंता मत कर, कभी कभी बहुत टेंशन लेने से भी पेट में दर्द हो जाता है। हाँ टेंशन लेने से पेट में दर्द होता है और भूख से भी होता है, और हमका बहुत ही तेज भूख लागत है। क्या भूख? मैं राजू को बोल के कुछ अच्छा बनवा देती। नहीं 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 कायना की, आज खाना हम खुद बनाई है। अरे आप लोगों को जानत नहीं है, पर हमारे हाथ के बने कड़ी चावल पूरे पगडंडिया में वर्ल्ड फेमस है, और उसके साथ साथ अचारी गोभी, चूल्हे पे भुने हुए पापड़, गाजर का अचार, चौकी हुई दही और क्या और ई बात उधार नहीं है। कह की खाना हम खुद बनाएंगे तो आप लोगों को नहीं जान जाएंगे। तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? गो किचन और हेल्पर। गो कहाँ? खाना उसे है, बनाना उसे है, अपने आप खा पी के सो जाएगी, मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तूने उसे वो काम दिया था और तेरी वजह से उसे अपने एक्स हस्बैंड की शादी देखनी पड़ी। दीदी वो मेरा काम था। तो ये काम नहीं है, ये घर है, तेरा ऑफिस नहीं है। इमली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तेरी वजह से उसने ये सब झेला है, कम से कम ये तो देखो ठीक है या नहीं। जा गो। चाट पकौड़ी देखेगी नयन को, भोग लगाएंगे आज स्वयं को, लड्डू कचौड़ी की गाड़ी है पूरी वाला पहिया, बुझो तो कौन है दुनिया की नंबर वन रसोईया, बुझो तो कौन है दुनिया की नंबर वन रसोईया। अरे ओके ऐसे नहीं पूछे तो कब कौन को खाना बनाते देखे नहीं होगा। खाना तो हर कोई बना लेता है, तुम गाना गा रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। मिस्टर एबीपी, ना कौन हमरे जैसे गाना गा सकता है और ना ही कौन हमरे जैसे खाना पका सकता है। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा फ्री हो रहे हो तुम मेरे साथ? What is this ABP and all? ABP is अजीब बिकट प्राणी। अगर तुम जानो तो एक अजीब भुलक्कड़ प्राणी कर सका तो काहे कि तुम भूल गए हो। खैर ये सब छोड़ो, हमका ये बताओ तो का ये रसोई का काम आवत है का? नहीं। जेब फायर? अब देखो कहना कि हमका लाइफ में पहली बार मौका मिला है कि हम तो का कुछ सिखाएं। तो तुम ये लो और ये प्याज काटो। इसमें तुम्हारे हेल्प के लिए किसी को बुला देता हूँ। ये देखो सैरी बकैती चालू हो गई। वैसे तुम हमका अपन पैर पे खड़े होए के खातिर बहुत ध्यान दे देते हो, लेकिन खुद से एक तो प्याज नहीं कटते। पानी पानी अभी शो तुम ठीक हो? हम ठीक नहीं है, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। एक तो बात जानो तो तुम, ये जो उन कबो कौन खुद से खाना बनाए ना तो का मजा ना कुछ और ही होता है। कहे कि अगर मिर्ची ज्यादा हो जाए तो तीखा नहीं लागत है, चटपटा लागत है। खाना जल जाए तो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं लागत है, करारा लागत है। अगर दाल गाड़ी हो जाए तो खा लो, पतली हो जाए तो पी लो। कहे ना कि जोन भी है जैसन भी है, काम तो हमार क्या हुआ है ना, कौनो का दोष है ना ही कौनो की जिम्मेदारी। और अब हम अपन लाइफ ना ऐसा नहीं बना के चाहते ना कौनो को दोष देवे के चाहते है और ना ही कौनो पर जिम्मेदारी डाले के चाहते। और अब जोन करिए ना इमलिया अपन सेल्फ पे करिए।